आज देश की अगर बात करें महाराज जी, तो एक बहुत बड़ी समस्या है परिवार को लेकर के। परिवार टूट रहे हैं, परिवार में सामंजस्य नहीं है, एकाकी परिवार होते जा रहे हैं, उसमें भी सामंजस्य नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, सामयिक प्रश्न किया और देश के बहुत दुखती रग का प्रश्न किया है। भारत एक है, अखंड है, कितने प्रकार के अत्याचारी शासन इस देश के अंदर रहे, इसके बाद भी भारत एकजुट रहा, उसका कारण उसकी परिवार व्यवस्था थी। परिवार का मुखिया उसी का शासन था, उसका एक नैतिक शासन था, उसका एक आत्मिक प्रभाव था, जिसकी छत्र छाया में पूरा परिवार दुख झेलता हुआ भी, अभावग्रस्त जीवन जीता हुआ भी एकजुट रहता था। आज सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ी है, परिवार ऐसे ऐसे विखंडित हुए। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम दो हमारे दो, इनमें भी बोलचाल नहीं। आज किसी पिता का साहस नहीं है कि अपने मन की बात अपने बेटे को बोल सके, उसको भी बेटे की माँ का सहारा लेना पड़ता है कि जरा तुम कहना मुन्ना को, हम बोलेंगे तो वो शायद उखड़ सकता है। कोई पुत्र अपने मन की बात पिता को नहीं सीधे बोल पाता, माँ को सहारा लेकर बात करता है कि माँ पापा को ऐसा बोलना नहीं, हम बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अब जिस घर में पिता पुत्र में संवाद ही न होता हो, उस परिवार में कैसे रहा जा सकता है। तो आज घर घर नहीं रहे, हाउस नहीं रहे, वो होम नहीं रहे, हाउस हो गए। जैसे गेस्ट हाउस है, सुविधाएं अटैच रूम है, नौकर चाकर है, ऐसे ही कोठियों में सब प्रकार की सुविधाएं, नौकर चाकर है, अपने कमरे में कैद हो गए, वही भोजन आ गया, वही नाश्ता आ गया, भीतर ही नहाए धोए, सवेरे तैयार हुए, चाबी लेकर ऑफिस चले गए, शाम को अपने कमरे में घुस गए, मनोरंजन के लिए टीवी खोल लिया। बूढ़े माता पिता कैसे हैं, हारी हैं, बीमार हैं, दुख में हैं, दर्द में, किसी को कुछ मालूम नहीं। और ये इसलिए परिवार टूट रहे हैं। भारत की जो पूरी की पूरी ताकत है वो सामूहिक परिवार में है, इसको बचना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। इसमें विदेशी कंपनियां भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं, क्योंकि विदेशी कंपनी इस देश में व्यापार के लिए आ रही हैं और दुर्भाग्य से हमारे शासन के व्यवस्था के अंतर्गत भी व्यापार के लिए बुलाई जा रही हैं। व्यापारी जब प्रसन्न कब होता है, जब ग्राहक ज्यादा होते हैं। परिवार एकजुट रहेगा तो चीजें कम उपयोग में आएंगी। एक ड्राइंग रूम से काम चलेगा, एक टीवी से काम चलेगा, एक फ्रिज से काम चलेगा, एक रसोई घर से काम चलेगा। परिवार जब टूटेंगे तो अलग फ्लैट चाहिए, अलग सामान चाहिए, अलग व्यवस्थाएं चाहिए, अलग सुविधा चाहिए। तो जब इतने ग्राहक बढ़ेंगे तो व्यापारिक कंपनियों को लाभ होगा, वो अपने लाभ के लिए भारत का सत्यानाश कर रहे हैं। कुछ कानून इस देश के अंदर अब ऐसे बन रहे हैं जो परिवार को तोड़ रहे हैं, विशेषकर हमारी बेटियों को। उनको नारी स्वतंत्रता और नारी सशक्तिकरण के नाम पर एक प्रकार से उद्दंड और उच्छृंखल बनाने की कोशिश नहीं की जा रही, षड्यंत्र किया जा रहा है। हो सकता है मेरी बात सुनकर कुछ बेटियों को आपत्ति हो सकती है, नाराजगी व्यक्त कर सकती हैं वो, लेकिन मैं साधु हूं और मुझे सत्य ही बोलना पड़ेगा। डॉक्टर को तो सही रोग को बताना ही पड़ेगा। आप औषधि कराएं न कराएं आपका मन है, लेकिन आपको रोग का ज्ञान जरूर होना चाहिए। एक पुरुष बिगड़ता है, एक युवक बिगड़ता है, तो एक व्यक्ति बिगड़ता है, लेकिन एक स्त्री बिगड़ती है तो पूरा परिवार बिगड़ता है, पूरी परंपरा बिगड़ती है, पूरा समाज बिगड़ता है, भारत की पूरी आत्मा विकृत होती है। चूंकि नारी इस देश की आत्मा है, इस देश का प्राण है। आज इतनी उद्दंडता, इतनी उच्छृंखलता कर्तव्य के नाम पर, अधिकार के नाम पर, कि उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा का कोई शब्द ही नहीं बोला जा सकता। एक नया कानून पता नहीं कैसे ये देश में आया है, मेरी समझ में नहीं आता। न्यायालय ने क्या सोचा होगा और सरकार ने कैसे उसको स्वीकार किया है, घुटने कैसे टेके हैं, और समाज ने भी कोई आपत्ति नहीं की, मेरी समझ के बाहर है। एक कानून आया है लिव इन रिलेशनशिप। अरे भाई, हमारे देश में तो 7 जन्मों के संकल्प लिए जाते थे,
करवा चौथ को माताएं भूखी प्यासी रह के व्रत करती थी इसी संकल्प के लिए कि हे प्रभु, ये पतिदेव जो मुझे मिले हैं देवता के रूप में, हमारा जब तक जीवन होगा मनुष्य के रूप में, यही अगले जन्म में भी मुझे पति मिले। ये हो सकता है कि भीतर भीतर माताएं ये प्रार्थना कर देती हों कि जरा सुधर के मिले, लेकिन मिले। अब आप लिव इन रिलेशनशिप ले जा रहे हैं, तो ये तो जैसे पशु झुंडों में रहते हैं, कभी इस झुंड में रहे, कुछ दिन के बाद उस झुंड में रहे, कुछ दिन बाद उस झुंड में रहे। आप इस देश को क्या बनाना चाहते, अभयारण्य बनाना चाहते? नौजवान लड़के लड़कियां जब एक साथ रहेंगे तो कुछ न कुछ उनके आचरण व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। हमारे आरएसएस के चीफ हुए पूज्य सुदर्शन जी, उनका एक बार मैंने भाषण सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, वो मैंने वाक्य रटा। अमेरिका की घटना उन्होंने सुनाई कि वहां ये लिव इन रिलेशनशिप का परिणाम क्या है। पति और पत्नी ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे, उनके बच्चे बाहर लॉन में खेल रहे थे, खेलते खेलते बच्चों में झगड़ा हुआ, चीख चिल्लाहट हुई, तो वो महिला चाय रख के दौड़कर लॉन में गई और बच्चों को जो भी समझाया बुझाया होगा धीर धूप किया, उनको शांत किया। लौट कर आई, पति ने पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, बोले कुछ तो हुआ, दौड़ कर गई, बोले कोई खास बात नहीं थी, क्या बात थी, बोले माई चिल्ड्रंस एंड योर चिल्ड्रंस आर बीटिंग आवर चिल्ड्रंस। मेरी अंग्रेजी गलत हो सकती है, उसे ठीक कर लीजिए, मेरे बच्चे और आपके बच्चे दोनों मिलकर हमारे दोनों के बच्चों को पीट रहे थे। यानी जब ये देवी जी आई थी तो इनके साथ भी दो एक बच्चे आए, जिन देवता जी के पास से आई थी इनके भी पहले से दो एक बच्चे थे, जब ये दोनों मिलकर रहे तो इनके भी दो तीन बच्चे हो गए। तो माई चिल्ड्रंस एंड योर चिल्ड्रंस आर बीटिंग आवर चिल्ड्रंस। ये भारत है भैया, ये ऋषियों का देश है, इसको अभयारण्य मत बनाइए, इसको स्वेच्छाचारी देश मत बनाइए, इसको दंड देश मत बनाइए, इसको भोग में मत डुबाइए, इसको अंधकार में मत धकेलिए। ये परिवार व्यवस्था ही इस देश की सारी व्यवस्था को बनाए हुए है। इस देश के अनाथालय मत खोलिए, इस देश को अनाथालय मत बनाइए। बच्चे जब पैदा होंगे, माँ तो छोड़कर चली गई और किसी के साथ, लिव इन रिलेशनशिप आपने कर दिया, तो ये बच्चे अनाथ कहाँ जाएंगे? तो कॉन्वेंट चलाने पड़ेंगे आपको, अनाथाश्रम खोलने पड़ेंगे आपको। तो ये भारत की आत्मा कहती है कि परिवार एक चाहिए, और उसका एक छोटा सा सूत्र है, अगर सायंकाल का भोजन सब बच्चों के साथ बैठकर माता पिता एक साथ करने लग जाएं, बच्चे माता पिता के पास बैठकर भोजन करें, माता पिता बच्चों के साथ बैठकर भोजन करें, मुझे लगता है बहुत से दुर्गुण अपने आप दूर हो जाएंगे। जो लड़के जो लड़कियां देर तक घर से बाहर रहती हैं, वो भी जल्दी घर आएंगे कि मम्मी पापा भूखे बैठे इंतजार कर रहे होंगे। तो रोग तो औषधि से ही दूर होता है, और मेरी ये कामना है, मैं इस विषय पर सारे देशों में प्रवास भी कर रहा हूँ, मंगलमय परिवार के नाम से हमने एक अभियान भी चलाया है, परिवार मंगलमय हो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, हम दो हमारे तीन, हम दो हमारे चार, जैसी हमारी परिवार की रचना है, फूल जैसी खिलती हुई, मुस्कराती हुई, हंसती हुई, गुनगुनाता हुआ आंगन चाहिए, उवासी उदासी से भरा हुआ घर नहीं चाहिए। पूज्य योगी जी हमारे वृंदावन आए थे, तो मैं उनसे निवेदन किया था कि योगी जी, भारत गाँवों का देश है, गांव उजड़ रहे हैं, गांव में केवल मजबूर आदमी निवास कर रहा है, जिसकी मजबूरी है गांव में रहना, कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है गांव में केवल अपाहिज बीमार अनाथ बूढ़े लोग मिलेंगे, जैसे आपको मिड डे मील चलाना पड़ रहा है बच्चों के लिए, कुछ समय के बाद आपको बूढ़े मील चलाना पड़ेगा इन अनाथों के लिए। और यही दशा शहरों में भी ज़्यादा होने वाली है, चूंकि लड़का बंगलौर चला गया, विदेश चला गया, बड़ी कोठी, दो बुढ़े बुढ़िया चौकीदारी कर रहे हैं, वो कभी तो बीमार अनाथ होंगे, वो कभी तो ऐसी स्थिति में आएंगे, तो वहाँ की नगर पालिकाओं को उनके लिए बुढ़े मील चलाना पड़ेगा। ये दुर्दिन, ये दुर्वस्था हमारे देश को न देखनी पड़े। मैं शासन से, न्यायालय से, समाज से, धार्मिक संस्थाओं से प्रार्थना करता हूँ, गंभीरता से विचार करिए, इस देश को अनाथों का पशुवत अभयारण्य मत बनाइए, इसको परिवारों का खिलता हुआ समाज रहने दीजिए, बड़ी कृपा होगी भारत के ऊपर।